फिल्मी बातें विद अभिसार। जान से भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती। न जाने कितनी बार हम ये गाना अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ गाया करते थे, और ये गाना उस फिल्म का जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाएगी। जी हाँ, ना उसके सामने गदर कुछ है, ना हम आपके कौन, ना दिलवाले दुल्हनिया, ना पठान। ऐसी ताकत थी शोले की जो आज भी हमारे दिल में एक मुकाम रखती है। और आज पुराना सिनेमा नया स्टाइल में मैं आपको शोले की कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां बताने वाला हूं दोस्तों। पुराना सिनेमा नया स्टाइल, क्या आप जानते हैं जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले ही हफ्ते सभी ने इसे फ्लॉप बता दिया था। कई फिल्म रिव्यूअर्स तो ये तक कह रहे थे कि ये शोले नहीं, ये छोले है, छोले कह रहे थे उसको। मगर वो फिल्म रिव्यू करने वाले एक चीज नहीं देख रहे थे, और पहले हफ्ते में तो रमेश सिप्पी ने भी ये नहीं देखा। रमेश सिप्पी पहले हफ्ते की रिएक्शन से इस कदर हिल गए थे कि उन्हें लगा कि शायद ऑडियंस को अमिताभ बच्चन का अंत में मर जाना पसंद नहीं आया, वो एंडिंग बदलने वाले थे। मगर फिर पहले हफ्ते के बाद तस्वीर बदल गई। मगर उस पहले हफ्ते क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। लोग जो वो फिल्म देखने जा रहे थे ना, इंटरवल के दौरान वो उठ ही नहीं रहे थे, वो उस फिल्म से हिल गए थे कि ये क्या फिल्म है, क्योंकि ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी गई थी। जिस तरह का एक्शन जो बहुत शॉकिंग था, हाई क्लास एक्शन, क्योंकि उस तरह का एक्शन, खासकर वो जो शुरुआती सीन है, ट्रेन एक्शन सीन, वैसा सीन आज तक फिल्माया नहीं गया दोस्तों। आज भी जो एक्शन सीन्स फिल्माए जाते हैं वो स्पेशल इफेक्ट से फिल्माए जाते हैं, मगर ये सीन जो है वो भारतीय सिनेमा इतिहास का एक यादगार सीन था दोस्तों। तो लोग सिनेमा हॉल में थे, इंटरवल में नहीं उठ रहे थे, और एक हफ्ते बाद इस फिल्म का पता चला। फिल्म इतनी बड़ी हो गई कि उस फिल्म के अंदर जिन लोगों के डायलॉग्स भी नहीं थे वो भी बहुत फेमस हो गए। मगर क्या आप जानते हैं कि जिस शोले को आपने देखा उसकी जो एंडिंग थी, यानी कि उसका जो क्लाइमैक्स था, वो कुछ और था, और जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स था ना, वो बहुत ही पावरफुल क्लाइमैक्स था। अगर वही क्लाइमैक्स आता तो ये फिल्म और भी ज्यादा यादगार बनती, क्योंकि आपको याद होगा शोले के एंड में ठाकुर जो है अपने जूतों से गब्बर को कुचलने वाले होते हैं, मगर अचानक पुलिस आती है और उन्हें रोक देती है। दरअसल ओरिजिनल एंडिंग ये थी, ये जिसमें ठाकुर गब्बर को एक जगह पर ले जाते हैं, दो कदम पीछे हटते हैं और फिर फ्लाइंग किक मारते हैं, और गब्बर के पीठ में एक पैनी चीज जो है वो घुस जाती है, और गब्बर जो है वहीं पर ढेर हो जाते हैं मौत के घाट। मगर आप जानते हैं शॉकिंग ये सीन नहीं था। उसके बाद जो संजीव कुमार की एक्टिंग थी, जिस तरह से धर्मेंद्र की बाहों में वो रोते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन दोस्तों। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अल पचिनो की एक फिल्म थी गॉडफादर पार्ट 3, उसके अंदर भी जब अल पचिनो की बेटी मारी जाती है ना, वो इसी तरह से रोते हैं, मुंह खोलकर आवाज नहीं निकलती। शोले का जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स था ना, उसमें वही ताकत थी। मगर वो ओरिजिनल क्लाइमैक्स क्यों नहीं गया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 1975 में देश में आपातकाल बहाल हो गया था। उस वक्त की जो सरकार थी वो हर चीज को रौंद रही थी, तब ये कहा गया कि ये एंडिंग रखकर कहीं ना कहीं आप पुलिस की तौहीन कर रहे हैं, लिहाजा रमेश सिप्पी को आनंद फानंद में रामगढ़ जाकर, यानी बैंगलोर के पास जाकर जहां इसकी शूटिंग हुई थी, फिल्म की एंडिंग को बदलना पड़ा। और फिर आई वो दूसरी एंडिंग जो मेरे हिसाब से बहुत कमजोर एंडिंग थी, क्योंकि अगर वो पुरानी एंडिंग होती ना तो न जाने शोले और कहां पहुंच जाती। और आप जानते हैं शोले की एक और कहानी है, क्योंकि देखिए इस फिल्म में हर एक किरदार फेमस हुआ। धर्मेंद्र का बीरू, अमिताभ का जय, संजीव कुमार का ठाकुर, गब्बर सिंह, अमजद खान, बसंती, हेमा मालिनी,
मगर क्या आप जानते हैं इस फिल्म में काम करने वाला हर एक्टर कोई और रोल करना चाहता था। अमिताभ बच्चन गब्बर सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, धर्मेंद्र ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे क्योंकि धर्मेंद्र को लग रहा था कि भाई ठाकुर जो है यानी संजीव कुमार वही मेन हीरो हैं। तब रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही थी। दरअसल संजीव कुमार हेमा मालिनी से मोहब्बत करते थे और उन्हें प्रपोज कर चुके थे। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को कहा कि अगर तुम ठाकुर बन गए और अगर संजीव कुमार को मैंने वीरू का रोल दे दिया तो हेमा मालिनी संजीव कुमार को हां कह देंगी और हेमा मालिनी की शादी संजीव कुमार से हो जाएगी। यह रियल स्टोरी है दोस्तों। धर्मेंद्र को समझ आया और वो वीरू का रोल खेलने के लिए तैयार हो गए। डैनी डेंगजोंगपा, इन्हें ऑफर किया गया था गब्बर सिंह का रोल, मगर वो धर्मात्मा की शूटिंग कर रहे थे और धर्मात्मा में उनका एक बहुत ही छोटा सा रोल था। धर्मात्मा के लिए उन्होंने इतने ऐतिहासिक रोल को नजरअंदाज कर दिया और खुद संजीव कुमार का रोल। क्या आप जानते हैं ये रोल पहले दिलीप कुमार को दिया गया था। अब आप सोचिए दिलीप कुमार अगर ठाकुर का रोल करते तो कैसा लगता, एक अलग ही नजारा होता ना। हालांकि संजीव कुमार ने जिस तरह से ठाकुर का किरदार निभाया उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो एक्टिंग यादगार है। और मेरे हिसाब से संजीव कुमार ने शोले में सबसे बेहतरीन अभिनय किया। उसके बाद बारी आती है गब्बर सिंह की, तो संजीव कुमार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। और अगर हम गब्बर सिंह की ही बात करें तो जब सलीम जावेद ने गब्बर सिंह को चुना था यानी अमजद खान को, तो कई लोग ये कहने लगे थे यार आवाज बहुत पतली है, दमदार नहीं है, हल्का पड़ जाएगा। मगर जब शोले रिलीज हुई और जब गब्बर सिंह का वो डायलॉग आया कि 50 कोस की दूरी पर हर मां अपने बच्चे से कहती है कि सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, या फिर तेरा क्या होगा कालिया, कितने आदमी थे, ये डायलॉग जब बोला जाता था ना, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मुझे याद नहीं है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, जब मेरे पापा मम्मी मुझे ले गए थे 1975 के आसपास, मगर फिर शायद 1978-79 में भी मैंने ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी। उस वक्त हर डायलॉग से पहले यानी गब्बर सिंह कहते थे कितने आदमी थे, उससे पहले पूरा सिनेमा हॉल जोर से चिल्ला देता था कितने आदमी थे। ये जुनून था। अनगिनत सेंटर्स में फिल्म ने गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली पूरी की। मराठा मंदिर, वहां पर 6 साल ये फिल्म लगातार चलती रही और जब उसे उतारा गया तब भी वो हाउसफुल थी, फिल्म को उतार दिया गया। बाद में मराठा मंदिर के जो मालिक थे उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया दोस्तों, और उस गलती को फिर उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में नहीं दोहराया। नतीजा यह है कि 1976 से लेकर अभी 2023 तक दिलवाले दुल्हनिया अभी भी उनके मॉर्निंग शो में चल रही है। अगर शोले को नहीं हटाया जाता तो वो भी अब तक चल रही होती। ये दम है शोले का। दोस्तों जब भी शोले की बात होती है ना, उनके एक्टर्स की बात होती है, डायरेक्शन की बात होती है, डायलॉग्स की बात होती है, सलीम जावेद जो कि इसके राइटर्स थे उनकी बात होती है। आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं कि शोले के कई सीन्स को कई फिल्मों से हूबहू कॉपी किया गया था, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर मैं बात कर रहा हूं म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक की। मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि शोले का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना उससे पहले ना उसके बाद किसी भी फिल्म का वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आया है। एक एक सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक याद कीजिए। शुरुआती सीन जब एक पुलिस ऑफिसर आता है और जब उसे ठाकुर के पास ले जाते हैं और वो जो म्यूजिक पीछे चल रहा होता है, हे ला 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 ला, या फिर जब अमिताभ बच्चन एक विधवा यानी जया भादुड़ी को देख रहे होते हैं, या फिर
जब गब्बर सिंह का कहर होता है, जब गब्बर सिंह सचिन को मारने वाले होते हैं, खौफनाक मंजर। उस बैकग्राउंड स्कोर ने जिसे दिया था हमारे बॉस आरडी बर्मन ने, उसने तहलका मचा दिया था। एक एक गब्बर का सीन आपके रोंगटे खड़े कर देता था, आपके रोम रोम में सेहरन पैदा होती थी उसी बैकग्राउंड स्कोर की वजह से। और हां, कौन भूल सकता है उसके गाने। एक गाना तो मैं आपको सुना ही चुका हूं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और दूसरा गाना, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। मगर वो गाना जो अमर हो गया, वो गाना जो आज भी डिस्कोथेक्स में बजता है, जिसे खुद आरडी बर्मन ने गाया था और स्क्रीन पर थे जलाल आगा और हेलेन, कौन सा गाना, महबूबा महबूबा। बाप रे, आरडी बर्मन कैसे गाना गाते थे, क्या जोर लगता होगा उनके गले में। हालांकि ये उनकी नेचुरल आवाज थी। महबूबा महबूबा गाना मेरे ख्याल से जितने भी आइटम नंबर्स हैं आजाद भारत के इतिहास में, कई आइटम नंबर्स सॉन्ग हुए हैं दोस्तों। महबूबा महबूबा का मुकाम जो है वो बहुत ऊंचा है दोस्तों, बहुत ऊंचा है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं की जाती। तो इस फिल्म का स्टार इसकी म्यूजिक और खास तौर से इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक थी, जिसमें आरडी बर्मन दादा ने कमाल कर दिया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक्टर जो है ना अपने रोल से इस कदर जुड़ गया कि मैं आपको एक बहुत दिलचस्प घटना बताना चाहता हूं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एंड में मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन जो हैं वो आकर्षित होते हैं जया बच्चन के प्रति, जो एक विधवा होती हैं। अगर अमिताभ बच्चन नहीं मरते ना तो एंड में एक विधवा का उद्धार हो जाता। और फिल्म में एक डायलॉग भी है, भाई आजकल सरकार जो है वो डाकुओं को बसा रही है, ऐसे में अगर जय की शादी बेटी से हो जाए तो क्या दिक्कत है, और ठाकुर मान भी जाते हैं। मगर अंत में अमिताभ की मौत हो जाती है, और वो सीन मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 1978-79 में, जब मुझे पहली बार याद है मैंने वो फिल्म देखी थी, वो सीन देखकर मैं बहुत रोया था। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की बाहों में दम तोड़ रहे होते हैं और जया बच्चन दौड़ते हुए आती हैं और अमिताभ धर्मेंद्र से कहते हैं कि एक ये कहानी अधूरी रह गई, और उसके बाद जया वापस अपने घर जाती हैं और खिड़की बंद कर देती हैं। वो सीन आज भी इमोशनल कर देता है दोस्तों, आज भी इमोशनल कर देता है। और आप जानते हैं जब इसकी शूटिंग हो रही थी, संजीव कुमार जो कि ठाकुर का किरदार निभा रहे थे, जिनके हाथ नहीं थे फिल्म में, हाथ कटे हुए थे क्योंकि गब्बर सिंह उनके हाथ काट देता है, तो जब ये सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें अमिताभ बच्चन मर जाते हैं और जया बच्चन अपने मकान में जाके खिड़की बंद कर देते हैं, तो संजीव कुमार रमेश सिप्पी से कहते हैं कि भाई आप यहां पर एक सीन रखिए जहां पर मैं अपनी बहू के पास जाके उसे गले लगाऊं। तो रमेश सिप्पी ने संजीव कुमार से कहा, मगर ठाकुर आपके हाथ कहां हैं, गले कैसे लगाइएगा। यानी कि जो लोग वहां शूटिंग कर रहे थे उन पर भी इस फिल्म का इतना बड़ा असर हुआ। दोस्तों आप और हम शोले के बारे में जब भी सोचते हैं तो पहली चीज हमारे जहन में क्या आती है, डायलॉग्स। और वो डायलॉग्स किसने लिखे थे, सलीम जावेद ने। एक एक डायलॉग, जैसे मैंने कहा ना, उसकी गूंज सिनेमा हॉल में दिखाई देती थी। अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, साला नौटंकी घड़े घड़ी ड्रामा करता है। एंड ऑफकोर्स धर्मेंद्र, मौसी जी, मतलब वो ऊपर टंकी पे खड़े होकर। एक एक सीन, एक एक डायलॉग हीरा था दोस्तों। मगर क्या आप जानते हैं कि शोले के कई सीन्स हूबहू कई फिल्मों से उठाए गए थे, और यह आरोप हमेशा से सलीम जावेद पर लगता रहा। सलीम जावेद की जो दो सबसे बड़ी फिल्में वो कौन सी थी,
शोले और दीवार। मगर क्या आप जानते हैं इन दोनों फिल्मों में चाहे डायलॉग्स हों चाहे सीन्स हों सलीम जावेद ने कई फिल्मों से उठाए। मसलन शोले की बात करें, शोले का वो सीन जिसमें ठाकुर का पूरा परिवार गब्बर सिंह मार देता है, उस सीन में आपको याद होगा एक बच्चा खड़ा होता है और उस बच्चे की तरफ गब्बर सिंह अपनी राइफल तानता है। वो जो पूरा सीन है वो उठाया गया था 1968 में रिलीज हुई वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। इसमें हेनरी फोंडा ने वो किरदार निभाया था जो गब्बर सिंह ने शोले में निभाया था, और हूबहू वही सीन है जिसमें हेनरी फोंडा के सामने एक बच्चा खड़ा होता है, वो पूरे परिवार को मार देता है, दूर से ही मार देता है। जैसे शोले के अंदर ठाकुर के पूरे परिवार को गब्बर सिंह दूर से ही या उसके डाकू दूर से ही मार देते हैं, और फिर हेनरी फोंडा के सामने एक छोटा सा बच्चा आता है, वो सीन वहां से उठाया गया था। यहां तक कि खुद शोले वो सेवन सामुराई की कॉपी थी पूरी कहानी देखा जाए। मगर शोले की खास बात यह थी कि बेशक वो कई फिल्मों की कॉपी थी मगर उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जावेद अख्तर ने बखूबी ढाला। क्योंकि देखिए, अगर वो किसी पुरानी फिल्म की सस्ती कॉपी होती ना तो इतनी नहीं चलती। शोले आप और हम में से कम एक बार देखी है। क्यों देखिए मुझे बताइए, क्यों आज भी आप और हम शोले को इतनी शानदार फिल्म मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि शोले के अंदर भारतीय मूल्य कूट कूट कर भरे हैं। विधवाओं का फिर से शादी करना, सांप्रदायिक सौहार्द, डाकुओं का अत्याचार, डाकुओं को मुख्य धारा में लाना, पुलिस किस तरह से काम करती है, एक गांव के अंदर क्या माहौल क्या राजनीति चलती है, ये तमाम चीजें हमारे समाज के अंदर कूट कूट कर भरी हैं। इन्हीं तमाम चीजों को गूंद कर सलीम जावेद ने शोले बनाई थी, जो एक शानदार स्क्रिप्ट एक शानदार फिल्म थी। मगर हकीकत यह है कि शोले कई फिल्मों की कॉपी थी। और यही नहीं दोस्तों, जब मैं दीवार का रिव्यू करूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म दीवार को भी कई फिल्मों से कॉपी किया गया था। दीवार का वो डायलॉग याद है आपको, उफ तुम्हारे उसूल, किस काम के तुम्हारे उसूल, तुम्हारे उसूलों से दो वक्त की रोटी नहीं गुंदी जा सकती। आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, क्या है तुम्हारे पास? इसके जवाब में शशि कपूर क्या कहते हैं, मेरे पास मां है, बोलते हैं ना। एक फिल्म आई थी दोस्तों, द गुड द बैड द अगली। इसमें तीन कैरेक्टर्स होते हैं और एक कैरेक्टर होता है टूको। टूको एक चर्च में अपने भाई के साथ मिलता है और टूको जो है वो एक अपराधी होता है। टूको का भाई चर्च में एक पादरी होता है और उसी के अंदर डायलॉग है जहां भाई कहता है कि तुम तो घर छोड़कर भाग गए थे, मैंने ही मां का ख्याल रखा। तो इसमें टूको उससे कहता है कि आज देखो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बंदूकें हैं, औरतें हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो उसका भाई पलट के वही बात कहता है जो बात शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को कही थी। और ये मैं नहीं मान सकता कि सलीम जावेद उससे इंस्पायर्ड नहीं थे। शोले भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी, मगर जैसे मैंने बताया ना, एक नहायत ही शानदार फिल्म जो आज भी मेरे दिल में तमाम कमर्शियल फिल्मों में सबसे ऊंचा मुकाम रखती है। ये था जादू शोले का। मैं जानता हूं दोस्तों आज का रिव्यू थोड़ा लंबा था, मगर शोले थी भी तो शानदार फिल्म। क्या सोचते हैं आप? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।